नमस्ते इंडिया, आप लोगों का एक नए ब्लॉग में स्वागत है। अभी हम लोग हैं रांची के बिरसा मुंडा कार आवास पे हैं। देखिए सामने में बिरसा मुंडा की प्रतिमा है और इस बार 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस हमारा रांची के इस परिसर में मनाया जा रहा है, जो पहले बिरसा मुंडा कार आवास था लेकिन कुछ साल पहले इससे पार्क बना दिया गया था। और इसी में इस बार विश्व आदिवासी दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जाने वाला है। तो देखिए यहाँ पे बिरसा मुंडा संग्रहालय का मेन गेट है यहाँ पे, और देखिए बहुत सारे लोग आ चुके हैं यहाँ पे। इसी जेल में अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को कैद कर रखा था। देखिए जेल परिसर के अंदर पे यहाँ पे वीर महापुरुषों का प्रतिमा लगाया गया है। यहाँ पे है वीर बुधु भगत है, आगे में है भागीरथ मान जी, तिरंगा खड़िया है, और सामने में देखिए गंगा नारायण सिंह का मूर्तियाँ हैं। इस बार 9 तारीख और 10 तारीख दो दिन विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है इस परिसर में। अभी दोपहर के 12 बजे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। देखिए यहाँ पे फाउंडेशन शो के लिए बनाया गया है, यहाँ पे पानी है, उसके बाद वहाँ पे लाइट लगाया गया है और सामने में यहाँ पे लाइट जलेगी और फुहारा निकलेगी। और देखिए सामने में यहाँ पे बैलून लगाया गया, बहुत बड़ा बैलून। और इस ओर देखिए बहुत सारे लोग घूमने के लिए आए हैं, और सामने में बहुत सारे स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ पे देखिए सारे के सारे स्टॉल हैं यहाँ पे। चलिए चलते हैं स्टॉल के अंदर में। अंदर में बहुत सारे कपड़े के दुकानें की स्टॉल लगाई गई हैं और विभिन्न तरह के सजावटी के सामान भी मिल रहे हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे खाने पीने का स्टॉल लगाया गया है, जितने भी खाने पीने का स्टॉल है सारे के सारे झारखंडी खाने पीने का स्टॉल है, जैसे गुलगुला हुआ, ढुसका हुआ, छिलका रोटी हुआ, और विभिन्न तरह के फुचका उचका भी है यहाँ पे। अगर आप खाने पीने का शौकीन है तो झारखंडी खाना का लुत्फ उठा सकते हैं, जो बहुत ही स्वादिष्ट है। यहाँ पे प्रोग्राम हो रही है और देखिए पार्क की खूबसूरती बहुत ही खूबसूरत है। और अब यहाँ पे अधिकारियों का भी आना जाना शुरू हो गया है।